हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों, एक चीज याद रखो, जब तक हम ठान ना लें कि हमें दवाई नहीं खाना, अस्पताल नहीं जाना, तब तक हमारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं हो सकती। इमरजेंसी है, एक्सीडेंट है, कोई ऐसी समस्या है जो इमीडिएटली ठीक नहीं हो सकता बिना इमरजेंसी ट्रीटमेंट के, उसे छोड़कर बाकी हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में है, योग में है, नेचुरोपैथी में है, एक्यूप्रेशर में, तो भर भर के कुट कुट के दोस्तों, जिसके माध्यम से अपने हाथ को, अपने पैर को आप स्टिमुलेट करते हुए अपने बीमारी को खत्म कर सकते हो। ऐसे हजारों केस दोस्तों हमने देखे हैं, ट्रीट भी किए हैं, लोगों को ट्रेंड भी किए हैं। एक चीज याद रखो, अगर आपको बार बार जॉइंट पेन हो रहा है, नसों में तकलीफ है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो दोस्तों सुबह उठ के एक काम तो जरूर करना। सुबह उठते ही अपना एक्यूप्रेशर का पॉइंट, पहला लीवर पॉइंट 50 बार कम से कम दबाओ, हार्ट पॉइंट 50 बार दबाओ, और हर उंगलियों का आखिरी हिस्सा जो है, जो टिप पॉइंट है, पॉइंट नंबर 39, इससे बात पित्त कब दोस्तों बैलेंस्ड होता है, इसे कम से कम 10 से 20 बार जरूर दबाइए। ऐसे सेम हियर आल्सो 10 टू 20 टाइम्स दबाइए, आप देखोगे दिन भर ऊर्जावान रहोगे। यही पॉइंट को अगर रात में आप दबाते हो तो आपको नींद अच्छा आती है, इंसोमनिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरी बात है, गर्मी के समय में आपको बताना चाहूंगा कि रात में 2 चम्मच सौंफ 1 ग्लास पानी में भिगो के रखनी है, या फिर कांच का बाउल भी ले लो, उसमें आप 2 चम्मच सौंफ को आप डाल के 1 ग्लास पानी डाल के रख लें रात भर। सुबह उठते ही इसको आपको उबालनी है, थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके उसमें डालें, या फिर ऐसे सीधे कूट के भी डाल सकते हो। और साथ साथ आपको क्या करनी है, जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसको छान लें, छान के एक चुटकी आपका दालचीनी पाउडर, एक चुटकी आपका काली मिर्च का पाउडर, और एक चुटकी आपको काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट इसमें डालनी है, डाल के आपको सुबह सुबह पीनी है। दूसरा है तरीका, सौंफ को आपने जब उबालने में रखे गैस में, उसमें अदरक डालें और 3-4 मिंट लिप्स उसमें डाल दें, डाल के ये पानी उबाल के इसको छाने, छानने के बाद आप इसमें थोड़ा सा मिश्री और नींबू आधा इसमें निचोड़ के सुबह सुबह पी सकते हो गर्मी में। और अगर दिन भर इसका इस्तेमाल करना है तो इसको ठंडा होने दें, उसमें 1-2 गिलास और पानी दोस्तों मिलाएं, कम से कम 1 या 1.5 चम्मच छोटे चम्मच में मिश्री उसमें मिला लें और थोड़ा सा नींबू, इसको रखें आप और दिन भरी सुबह से लेकर कम से कम 3-4 बजे तक आराम से इसको आप पी सकते हो, कम से कम 1 लीटर। तो इससे 2 फायदा होगा, पेट हल्का रहेगा, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कंस्टिपेशन दूर होगा, साथ साथ दिन भर आपको ताजगी दोस्तों मिलेगी सौंफ के पानी से, और मिश्री वगैरह जो आप लेते हो इससे आपको ठंडक भी मिलेगा, साथ साथ आप ऊर्जावान रहोगे, हड्डी आपकी मजबूत रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड प्यूरिफाइड होगा, पेट साफ होगा, कंस्टिपेशन वगैरह जिनके है वो भी दोस्तों खत्म हो जाएगी, रात में नींद अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये सब अगर छोटी छोटी जो बातें आपको बताता हूँ इसको मानोगे, करोगे, तो दोस्तों आपको लाभ होगा। तो 2 तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया, कोई भी तरीका आपको पसंद है वो आप उसको अप्लाई करें। एक में मैंने आपको काली मिर्च, आपका दालचीनी और ब्लैक सॉल्ट, इसको एक एक चुटकी डालने के लिए कहा हूं, और दूसरे में आपको मैंने कहा मिश्री और नींबू का प्रयोग करने के लिए। दोनों आपके हाथ में है,
जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको टेस्टी लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप जरूर अप्लाई करें। गुण तो आपको सब में मिलेगा, लाभ आपको सब में मिलेगा। ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मैं अपनी किताब में दे रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड। हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में किताब है, एक तरह का हेल्थ डिक्शनरी है, रेफरल बुक है। इसको घर में इस्तेमाल करके आप सेहतमंद हो सकते हो। जिसके पास भी किताब है वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है 8826763303 में, या फिर 8800403758 में। उससे हम यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन देंगे, गाइड करेंगे कैसे आप उस किताब का इस्तेमाल करके अपना बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी कमर सर्जरी होनी है, आपकी गर्दन की सर्जरी होनी है, या फिर घुटने की सर्जरी होनी है, या किसी भी सर्जरी के लिए आपको एडवाइस किया जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बिफोर डूइंग द सर्जरी यू मस्ट कम फॉर ए कंसल्टेशन हियर। आप एक दो दिन के लिए यहाँ आइए नोएडा में, और यहाँ हम जांच करेंगे कि वाकई आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो सारी चीज़ें टेक्निकली मैं हेल्प करूंगा, जिससे आप अपने मुसीबत से बाहर निकल पाओगे और आपको जिंदगी भर कभी सर्जरी फेस नहीं करना पड़ेगा। 4 stages ऑफ पेन मैनेजमेंट अगर आप पे एक बार ही अप्लाई करना हम शुरू करें और फिर उसको होम ट्रीटमेंट में कन्वर्ट कर दें, आपको ट्रेंड करके ट्रेनिंग देके, तो जिंदगी दोस्तों हजारों की बनी, आपकी भी दोस्तों बन जाएगी। चलिए दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।